गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जुरिस प्रेप क्लासेस। आज हम नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, इन शॉर्ट वी कॉल इट एनडीपीएस एक्ट। इसे शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देना चाहता हूं, क्या होता है नारकोटिक ड्रग्स, क्या होती है नारकोटिक। जो वर्ड है ये ग्रीक से लिया गया है, इसका मतलब है नार्कोस। इसका क्या मतलब है? नार्कोस, नार्कोस का मीनिंग होता है स्लीप। बेसिकली ये जो ड्रग्स हैं ये सीएनएस सिस्टम पर काम करती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करती हैं। ये नींद को इंड्यूस करती है, नींद लाती हैं। इन्हें एज ए पेन किलर यूज किया जाता है, एज ए एनाल्जेसिक यूज किया जाता है, नारकोटिक ड्रग्स। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस क्या है? ये ऐसी ड्रग्स हैं, ये ऐसे सब्सटेंस हैं, ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो ब्रेन के फंक्शन को चेंज करते हैं, एल्टर कर देते हैं, परसेप्शन को, मूड को, कॉन्शियसनेस को चेंज कर देते हैं। इनकी जो है दोनों की मेडिसिनल वैल्यू है, दोनों की। लेकिन जैसे कि एक कहावत है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी भी चीज को अगर ज्यादा यूज किया जाए तो उसका एडवर्स इफेक्ट आता है। मेडिसिन को मेडिसिन के तौर पर ही लिया जाए तो बेहतर है। अगर हम उसे मिसयूज करेंगे, उसकी वर्तो गलत तरीके से करेंगे तो उसके एडवर्स इफेक्ट आएंगे। ये इनका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है? ये जो है हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स है, इनकी आदत पड़ जाती है। नंबर वन आदत पड़ जाती है, नंबर टू इनकी डोज धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है। इनका यूज भी है और इनका मिसयूज भी है। यूज एज ए मेडिसिनल ड्रग, मिसयूज एज ए ड्रग्स, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, इनकी गलत परतों भी होती है। ये वाला एक्ट जो है 1985 में पहली बार आया था। इससे पहले क्या था? बिफोर एनडीपीएस एक्ट क्या था? ओपियम एक्ट 1878 का था, ओपियम एक्ट ऑफ 1878। एनडीपीएस एक्ट से पहले क्या था? ओपियम एक्ट ऑफ 1878। और एक और ड्रग था, डेंजरस ड्रग्स एक्ट ऑफ 1930।
ये क्या थे, बेसिकली सब्सटेंटिव एक्ट थे। सब्सटेंटिव एक्ट मैंने आपको पहले भी कई लेक्चर्स में बताया है, सब्सटेंटिव एक्ट होते हैं जो पनिशमेंट को बताते हैं, क्रिमिनल सब्सटेंटिव एक्ट थे बेसिकली ये। इनका प्रोसीजर कहां पर था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो लेजिस्लेचर ने क्या सोचा कि सभी एक्ट्स को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाए, सब्सटेंटिव लॉ को भी और प्रोसीजरल लॉ को भी एक अलग से एक्ट बना दिया जाए जिसमें सारी चीजें हों विद रिगार्ड टू नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। दोनों को इकट्ठा करने के लिए इन्होंने 1985 में एक एक्ट बनाया। जब किसी चीजों को इकट्ठा करते हैं, जिस लॉ को अलग अलग बिखरे पड़े हैं तो इकट्ठे का क्या करते हैं, उसे क्या कहते हैं, कंसोलिडेटिंग। एनडीपीएस एक्ट 1985 क्या था, कंसोलिडेटिंग एक्ट एंड अमेंडिंग द प्रोविजंस फॉर, और प्रोविजंस जो थी उन्हें अमेंड करने के लिए, ज्यादा पनिशमेंट देने के लिए, लोगों को इसका मिसयूज रोकने के लिए एक नया एक्ट बनाया गया जिससे नाम दिया गया ये वाला, जो कि आज हमारा टॉपिक है। नंबर वन। नंबर टू, कंट्रोल एंड रेगुलेशन करने के लिए, ये जो ड्रग्स हैं, यूजफुल ड्रग्स हैं, एस बहुत ही अच्छे एनाल्जेसिक्स है व्हेन यूज्ड एज ए मेडिसिनल वैल्यू, इनके बिना हमारा काम भी नहीं चल सकता। मिस यूज रोकना अलग बात है, लेकिन उसका यूज भी होता रहे उसके लिए हमें क्या करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं। कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, इनके लिए ये एक्ट बनाया गया। इस एक्ट को कई बार अमेंड भी किया गया, इट वॉज अमेंडेड इन 1989, फिर 2001 में भी इसको अमेंड किया गया, लेकिन इतनी अमेंडमेंट्स के बावजूद भी हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। हमारा पर्पस क्या है कि इनका, इन ड्रग्स का प्रॉपर यूज हो पाए, मिसयूज ना हो। मिसयूज को रोकने के लिए 2001 में जो है पेनल्टीज को इंक्रीज कर दिया गया, डेथ पेनल्टीज तक भी इसमें इंक्लूड कर दी गई एनडीपीएस एक्ट में। लेकिन बाद में लगा कुछ ऐसी ड्रग्स है, पर्टिकुलरली मॉर्फिन, ओपियम से निकलती है, ओपियम एक ड्रग है, उसमें से एक सब्सटेंस निकलता है जिसे मॉर्फिन कहते हैं। मॉर्फिन जो है बड़ा ही अच्छा एनाल्जेसिक है, उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन जो उसके इफेक्ट्स है, अच्छा इफेक्ट्स है, वो क्या है, बहुत अच्छा एनाल्जेसिक है। जो पेशेंट्स को बहुत ज्यादा पेन होता है उन्हें हम प्रॉपर मेडिसिन नहीं दे पा रहे थे, क्यों, क्योंकि हमने प्रोविजंस इतनी हार्ड कर दी एनडीपीएस एक्ट की कि इसका यूज भी प्रॉपर होना बंद हो गया। मिस यूज तो रोकना ही रोकना था, साथ में यूज भी बंद हो गया। तो फिर क्या हुआ, 2014 में इसमें और अमेंडमेंट्स की गई। 2014 में क्या अमेंडमेंट्स की गई, नंबर वन, जो डेथ पेनल्टी थी उसके साथ साथ अल्टरनेटिव जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट अप टू 30 इयर्स तक कर दी, या 30 इयर्स या
डेथ पेनल्टी। जो स्मॉल क्वांटिटी में के लिए पनिशमेंट थी वो 6 मंथ से बढ़ाकर 1 मंथ कर दी गई, 1 ईयर कर दी गई। और मॉर्फिन की जो है यूज को थोड़ा और रेगुलेट कर दिया गया ताकि ये प्रॉपरली यूज हो सके। मिस यूज तो रुकना ही रुकना है, साथ में यूज का भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा क्योंकि हम इनके बिना काम भी नहीं चल सकता। आपको हैरानी होगी, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ नारकोटिक ड्रग्स सरकारी तौर पे। कई स्टेट्स ऐसी हैं जो कल्टीवेशन ऑफ ओपियम को अलाउ करती हैं कानूनी तौर पर, लीगली आप कल्टीवेट कर सकते हो, ओपियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो ओपियम से आगे उनकी ड्रग्स बना सकती हैं, लेकिन उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। अगर वो लाइसेंस प्रॉपर है, प्रॉपर गाइडलाइंस है, उसका मिस यूज नहीं हो रहा, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कल्टीवेशन एक्सेट्रा पर बैन नहीं है, इसके मिस यूज पर बैन। तो 2014 में क्या कुछ एरर्स रह गई थी 2001 में, उनको ठीक करने के लिए 2014 का जो है अमेंडमेंट एक्ट आया, एनडीपीएस एक्ट। हम जो है सारा एनडीपीएस एक्ट बाद में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, टुडे वी आर गोइंग, आई एम गिविंग यू जस्ट इंट्रोडक्शन टू नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। इसके इंट्रोडक्शन देने से पहले आप आर्टिकल 47 जो है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में कीजिए। आर्टिकल 47 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें क्या कहा गया है, स्टेट जो है वो कोशिश करेगी टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन। जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स है, उनकी जो कंजम्पशन है उन पर रोक लगाने की कोशिश करेगी। आर्टिकल 47 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ये है, लेकिन उनकी जो वैलिड यूज है उसे नहीं रोकेगी। ऐसे ड्रिंक्स जो हेल्थ के लिए इंजरियस है उन्हें रोकने की कोशिश करेगा स्टेट। स्टेट शैल एंडीवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। मेडिसिनल पर्पस के लिए नहीं, मेडिसिनल पर्पस के लिए इनको यूज किया जा सकता है। आर्टिकल 19 क्या कहता है, आर्टिकल 19G, सारे सिटीजन्स को ये अधिकार होगा कि वो कोई भी प्रोफेशन चुन लें, कोई भी ऑक्यूपेशन चुन लें, कोई भी ट्रेड चुन लें, कोई भी बिजनेस कर लें। ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। लेकिन इसमें क्या है, इस एक्ट में हम रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। किस बेस पे, क्योंकि ये इंजरियस टू हेल्थ हो सकते हैं। स्टेट क्या क्या है, कोशिश कर रही है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स को इनकी यूज ना, मिस यूज ना हो सके, मेडिकल पर्पस के लिए प्रॉपरली यूज हो, मिस यूज ना हो। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को बनाया गया था। पर्पस क्या था, ऐसा कंट्रोल हो नारकोटिक ड्रग्स पर ताकि जो है अगर रिक्वायरमेंट है नारकोटिक ड्रग्स की, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस की,
मेडिसिनल यूज के लिए, तो उन्हें यूज किया जा सके, अगर नहीं है तो उन्हें मिस यूज ना कोई करे। ये सारे एक्ट्स जो है हमने यूनाइटेड नेशंस की कुछ कन्वेंशंस हुई हैं उनके अंतर्गत किए हैं। द यूनाइटेड नेशंस सिंगल कन्वेंशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स जो है 1961 की यूनाइटेड नेशन की, कन्वेंशन है, सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स। इसी तरह से कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस है 1971 की। इसी तरह से जो है एक और कन्वेंशन हुई थी, द कन्वेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस इन 1998। यूनाइटेड स्टेट्स ने और यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया को प्रेशराइज किया कि इस एक्ट को बनाया जाए। आई एम यूजिंग द वर्ड प्रेशराइज, क्यों? इनफैक्ट इंडिया में कुछ ऐसे रिलीजन्स हैं, कुछ ऐसी रिवायतें हैं वहां पर इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस को यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ होली भंग पीना जो है एक आम रिवायत थी, एक कस्टम थी, एक यूजेस थी, और उसे कोई माइंड भी नहीं करता था, उसे एक फन के तौर पे लिया जाता था। लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी हैं, आपकी हेल्थ को इंजरस भी है। इस एक्ट के अंदर वो बैन कर दी गई। इंडियन गवर्नमेंट जो है इसे बैन करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर के नीचे बंद करना पड़ा। 2000 साल, 4000, 5000 साल से ये चीजें इंडिया में चल रही थी। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इट इज नॉट नेसेसरी फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस एक्ट के नीचे जो है थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देता, आउटलाइन देता हूं आपको। एनडीपीएस एक्ट के नीचे जो है कोई भी व्यक्ति जो है वो कोई भी जो बैन ड्रग है, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है या नारकोटिक ड्रग है, उसे प्रोड्यूस नहीं करेगा। उसे प्रोड्यूस नहीं करेगा एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। उसे मैन्युफैक्चर नहीं करेगा। एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। ऐसी ड्रग्स की कल्टीवेशन नहीं करेगा। कल्टीवेट नहीं करेगा, उन्हें अपने खेतों में बोएगा नहीं, बीजेगा नहीं, उगाएगा नहीं। किसी भी व्यक्ति पर इसका पोजेशन नहीं होना चाहिए। ना ही इसे सेल करेगा, ना इसे परचेज करेगा। और ना ही इसे स्टोर करेगा।
और ना ही इसे इंपोर्ट करेगा, ना ही इसे एक्सपोर्ट करेगा। ना ही ऐसी ड्रग्स को कंज्यूम करेगा। किसको? ना तो नारकोटिक ड्रग्स को, ना ही साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को ध्यान रखकर किया जा सकता है। ये जो एक्ट है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ये कहां पर लागू है? सारे इंडिया में लागू। It extends to whole of India। जो narcotic drugs हैं ये mainly तीन substances हैं, तीन plants हैं, तीन पौधे हैं। कौन कौन से? Cannabis। Cannabis taiba से मिलता है। Cannabis taiba इसका botanical name है, लेकिन हम common language में इसे cannabis कहते हैं। कैनाबिस बेसिकली ये प्लांट है, जिससे भंग मिलती है। पंजाबी में इसे सुखा कहते हैं, भंग, सुखा, कैनाबिस प्लांट होता है। इसके लीव्स भी यूज होते हैं और इसका सारा प्लांट भी जो है यूज हो जाता है। सीड्स भी यूज होते हैं, जो फ्लावरिंग बर्ड्स हैं उन्हें भी यूज किया जाता है कैनाबिस। दूसरा जो प्लांट है वो है कोका प्लांट। कोका लीव्स तीसरा है ओपियम पॉपी। ओपियम पॉपी जो है हमें एक लीफ, एक प्लांट है जिसका बोटैनिकल नेम है पेपावरम सोमनीफेरम। कैनाबिस टाइवा, पेपावरम सोमनीफेरम और कोका लीव्स, इन प्लांट्स को फर्दर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इनसे फर्दर ड्रग्स बनाई जाती हैं, मेडिसिन बनाई जाती हैं, ड्रग्स बनाई जाती हैं। ओपियम में से हमें मॉर्फिन मिलती है, कोडीन मिलती है, ऐसी चीजें इनमें से मिलती है। कोका लीव से कोकीन आती है, कोकीन। ये सारी बैन ड्रग्स हैं, कोकीन। इनको प्लांट के भी तौर पे यूज करते हैं, इनके फर्दर एक्सट्रैक्ट, इनके साल्ट निकालकर इनसे और चीजें बनाकर भी इन्हें यूज किया जाता है। पेपावर सोमनीफेरम जो है कई बार पूछ लेते हैं, इसके लिए मैं लिख देता हूं ओपियम पॉपी किस प्लांट से मिलती है, एग्जाम्स में कई बार आ जाता है पेपावर सोमनीफेरम।
PEMPA. What? Somni. Feral. ये जो वर्ड है सोमनी, इसका मतलब भी सोना होता है, रात को सोना। होरा सोमनी एट द टाइम ऑफ नाइट, सोते समय, इससे मिलता है। कैनाबिस टाइबा, जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हैं, ये ऐसे मैन्युफैक्चर्ड सिंथेटिक भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लिस्ट में, शेड्यूल में डाला हुआ है। एनडीपीएस एक्ट के साथ एक शेड्यूल है, उसमें डाला हुआ है। उस लिस्ट में जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लिस्ट में ऐड कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एल्प्रेजोलाम, डाइजेपाम, नाइट्रेजेपाम ऐसे ड्रग्स हैं जिन्हें साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इन्हें लिस्ट में ऐड कर दे किसी को भी, डाइजेपाम, नाइट्रेजेपाम ऐसे ड्रग्स है। एनडीपीएस की ये इंट्रोडक्शन है, इसमें और क्या कुछ है मैं आपको जनरल आउटलाइन दे देता हूं, डिटेल में हम बाद में करेंगे। इसमें अथॉरिटीज कौन कौन सी होंगी, ऑफिसर्स कौन कौन से होंगे जो इनको कंट्रोल करेंगे, इनको लाइसेंस देंगे, इन चीजों को रेगुलेट करेंगे। जो है नारकोटिक ड्रग्स है, इनकी जो है कमेटीज बनाई जाएंगी, एक फंड क्रिएट किया जाएगा, फंड जो है यूज किया जाएगा जिन लोगों को कोई एडिक्शन हुई है या इन्हें कंट्रोल करने के लिए, जो एडिक्टेड पर्सन है उन्हें ट्रीटमेंट के लिए, उन्हें अपनी जो है ड्रग को छोड़ने के लिए, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। इसमें जो पनिशमेंट्स हैं, पनिशमेंट्स इसमें तीन तरह की जो है उस पर डिपेंड करती है। कोई सी व्यक्ति के पास अगर कोई ये ऑफेंस कमिट करता है, पोजेशन है, प्रोड्यूस करता है, पजेस करता है, स्टोर करता है, मैन्युफैक्चर करता है, सेल करता है, इंपोर्ट करता है, कुछ भी करता है, या फिर प्रेपरेशन करता है या अटेम्प्ट करता है, अटेम्प्ट करता है, प्रेपरेशन करता है, अबेटमेंट करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है, या कंज्यूम करता है, इनके लिए अलग अलग सेक्शंस है। अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है, दो पर्टिकुलर सेक्शंस है। अगर कोई अटेम्प्ट करता है, प्रेपरेशन करता है, इनमें से कुछ करता है उसके लिए। अगर वो हार्बरिंग करता है या फाइनेंस करता है, पैसे देता है इन काम के लिए, इस काम के लिए, तो भी वो पनिशेबल होगा। इसकी जो पनिशमेंट है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पनिशमेंट स्मॉल क्वांटिटी,
स्मॉल क्वांटिटी से थोड़ी ज्यादा जो है और कमर्शियल क्वांटिटी से थोड़ी कम। इनके लिए अलग अलग पनिशमेंट्स है। स्मॉल क्वांटिटी के लिए पहले जो पनिशमेंट थी वो थी अप टू 6 मंथ्स, लेकिन 6 मंथ्स से अब जो है इसको इंक्रीज करके 1 ईयर कर दिया गया। बाकी जो है पनिशमेंट 10 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक हो गई। इसमें जो है सेक्शन 31A उसमें डेथ पेनल्टी की प्रोविजन भी है, लेकिन अब डेथ पेनल्टी के साथ साथ पनिशमेंट अप टू 30 ईयर्स कर दी गई एज पर अमेंडमेंट ऑफ 2014। इसमें जो है प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 360 सीआरपीसी, सेक्शन 360 सीआरपीसी या प्रोबेशन का बेनिफिट एनडीपीएस एक्ट में नहीं मिलेगा। हां एक सेक्शन है, अगर कोई कंज्यूम करता है तो उसे बेनिफिट दिया जा सकता है, अगर वो तैयार है अपना इलाज करवाने के लिए गवर्नमेंट एजेंसी के नीचे, अगर वो इलाज करवाने के लिए तैयार है तो इसका बेनिफिट दिया जा सकता है। ये जो ऑफेंसेस हैं ये नॉन कॉग्निजेबल हैं, नॉन बेलेबल, बेल भी नहीं मिलेगी। इन जो ऑफेंसेस हैं इन्हें जो है ट्राई जो करता है वो करता है स्पेशल कोर्ट्स बनी हुई है, स्पेशल कोर्ट्स जो है तैयारी कर इसको ट्राई करते हैं। कम से कम एडीजे लेवल के जजेस जो हैं वो इसे करते हैं। जो पनिशमेंट हो गई इस केस में उसकी कोई सस्पेंशन सेंटेंस होगी, उसकी कोई सस्पेंशन नहीं होगी। नो सस्पेंशन, नो रिमिशन। ना ही इसे कम्यूट किया जाएगा और ना ही कोई और बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल तो नहीं कहूंगा, इस पॉइंट पर कुछ जजमेंट आ गई है, लेजिस्लेचर ये पावर्स को कोर्ट से छीन नहीं सकता और एग्जीक्यूटिव से नहीं छीन सकता। इसमें जो है कुछ प्रजम्पशंस भी हैं, कोर्ट ये मानकर चलेगी किसी व्यक्ति की कल्पेबल मेंटल स्टेट है। अपील और रिवीजन की प्रोविजन भी है, ये सारी चीजें जो है इसमें आती हैं। कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है। और जो कंपनीज जो है वो भी ऑफेंस कमिट कर सकती हैं
उनके लिए भी प्रोविजन है, उनके जो इंचार्ज हैं जो उन्हें रेगुलेट कर रहे हैं कंपनी को, उन्हें चला रहे हैं, उन्हें भी उसके बारे में प्रोविजन है। इसमें मैं आपको जनरल आउटलाइन दे रहा हूं ऑफ एनडीपीएस एक्ट। इंट्रोडक्शन। हमने क्या किया, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, इससे पहले क्या था, ओपियम एक्ट ऑफ 1878 था, इस और क्या था, डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930। कुछ जो है यूनाइटेड नेशंस की जो है कन्वेंशन हुई 1961 में, 1971 में, 1988 में, उनमें ये कहा गया कि सारे कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड के, ये जो ड्रग्स हैं यूजफुल भी हैं और इन्हें मिसयूज ज्यादा होता है, यूज कम होता है, इसलिए इसे रेगुलेट करना जरूरी है, इनकी जो है आम वर्तो जो है उस पर बैन होना चाहिए, इसलिए ये एक्ट बनाया गया। इस एक्ट को टाइम टाइम पर अमेंड किया गया, 2014 में रिसेंटली से अमेंड किया गया है। नारकोटिक क्या होता है, वर्ड ग्रीक वर्ड है नार्कोस, जिसका मीनिंग है स्लीप। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो ब्रेन पर इफेक्ट डालते हैं। कुछ प्लांट्स हैं जो कैनाबिस टाइगर, कैनाबिस कोका, ओपियम पॉपी जो है, ये प्लांट इटसेल्फ और इससे जो सब्सटेंसेस फर्दर हमें मिलते हैं, इनके डेरिवेटिव्स जो हैं उनको बैन किया गया है, इनकी कल्टीवेशन बैन की गई है, इनको पोजेस करना बैन किया गया है, इन्हें परचेज करना, सेल करना, मैन्युफैक्चर करना, ये सारी चीजें बैन की गई है, इन्हें कंज्यूम करना भी बैन किया गया है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है इससे भी बैन किया गया है। एनडीपीएस एक्ट में एक फंड की प्रोविजन है, फंड के साथ इन सारी चीजों को, इसका यूज हो मिसयूज ना हो, जो लोगों को पहले से आदत पड़ गई है उन्हें आदत छुड़वाने के लिए यूज हो, ऐसी प्रोविजंस भी हैं। अटेम्प्ट प्रेपरेशन अबेटमेंट कॉन्स्परेसी कंज्यूम फाइनेंस जो करते हैं इनके लिए भी, ये भी पेनल्टीज है। पेनल्टीज ज्यादातर 10 से लेकर 30 साल तक है, डेथ पेनल्टी भी है, लेकिन रिसेंटली 2014 में इसमें भी अमेंडमेंट की गई है। प्रोविजन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, अपील और रिवीजन की प्रोविजंस भी इसमें हैं। ये सारा जो है सर्च और सीजर कैसे होगा और ऐसे ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, ऐसे ऑफेंसेस को जो है इनका ट्रायल कैसे होगा, स्पेशल कोर्ट्स बनेंगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो है वो इन्हें कंडक्ट करेंगे। दिस इज आउटलाइन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एंड इट्स इंट्रोडक्शन। हम इस सब्जेक्ट को डिटेल में करेंगे। थैंक यू जनरल।